हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवल जॉब्स यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा जो कि एक फ्रेशर को रिक्वायर्ड है सेल्स इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, और डिस्कस करूंगा सारे सेल्स इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ अपने बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवीश, मैंने एक ऐप बनाई है एबल जॉब्स नाम से, जहाँ पे मैं जॉब सीकर्स और फ्रेशर्स की हेल्प करता हूँ जॉब लेने के लिए। तो अभी तक मैंने 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करी है उनकी फर्स्ट जॉब लगवाने के लिए। ये कुछ स्टूडेंट्स की फोटोज आप देख सकते हैं, मैंने इनकी जॉब लगवाई है टॉप कंपनीज में, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, बायजूस हो गया, टॉपर हो गया, पेटीएम हो गया। और अगर दोस्तों आप भी इन कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो चीज कवर करेंगे। अगर आप कोई भी फ्रेशर का सेल्स इंटरव्यू देखें तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सेकंड जो है सेल्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है दोनों टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करूंगा। ये दोस्तों वीडियो छोटा होगा, लेकिन अगर आप डिटेल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करिए, जहां पे मैंने आपके लिए एक सेल्स इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स बनाया है, जिसके थ्रू आप जाके जो है अपने सेल्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 8 क्वेश्चंस कवर करूंगा। मैंने उन क्वेश्चंस की लिस्ट यहाँ पे लिख दी है। तो पहले 3 क्वेश्चन दोस्तों जनरल क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर जंप करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये किसी भी जो इंटरव्यू है उसका एक स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप दो चीजें ध्यान रखिए कि आपको अपना नेम, क्वालिफिकेशंस और हॉबीज बताना है, और आपको आपका स्किल्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फ्यूचर प्लान बताना है। तो दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे एक सैंपल आंसर लिखा है, जहां पे मैंने एक सैंपल नेम लिया है अभिषेक सिंह का, और मैंने प्रॉपर आंसर लिखा है, जहां पहले मैंने आपको मेरा नाम बताया है, फिर कौन से कॉलेज से मैंने कौन सी डिग्री कंप्लीट करी, मैं कहाँ से हूँ, क्या हॉबीज है मेरी, क्या स्किल्स है मेरे, किस चीज में मेरा इंटरेस्ट था, और मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप 2 मिनट रुक के इस वीडियो को यहाँ पॉज करके ये आंसर पढ़ सकते हैं, और अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई शुड वी हायर यू। तो ये भी एक बहुत कॉमन जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये सेल्स में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो आप अपने स्किल्स बताइए कि आपको क्या क्या आता है। उसके बाद जो आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं और जो आपके स्किल है, उन दोनों को मैच करवा दीजिए कि किस तरीके से आप जो है उनको मैच करके कंपनी के लिए यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, मैंने यहां पर इंग्लिश में एक आंसर फ्रेम करा है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने पहले बताया कि मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल्स है जॉब के लिए, फिर मैंने इंपॉर्टेंट स्किल्स बताए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इस जॉब के लिए कम्युनिकेशन स्किल है, और जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है और जो मेरा एबिलिटी टू डू हार्ड वर्क है, वो मुझे हेल्प करेगा कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने के लिए, और ये मुझे इंश्योर करेगा कि मैं जो ये कंपनी को ज्वाइन करूं, और ये कंपनी इंश्योर करेगी कि जो भी नेसेसरी एक्सपोजर है मुझे अपने करियर स्टार्ट करने के लिए, वो मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करके मिलेगा। तो आप दोस्तों रेप्यूटेड जो है किसी बड़ी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, और फास्ट ग्रोइंग जो है दोस्तों किसी छोटी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक बार आप इस आंसर के थ्रू जा सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। तो इसको आंसर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल बताइए अपनी स्ट्रेंथ का, और फिर बताइए कि किस तरीके से वो आपकी स्ट्रेंथ जो है कंपनी के लिए यूजफुल होगी। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन स्ट्रेंथ ऑलरेडी लिख दी है, जैसे कि हार्ड वर्किंग, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट। तो आप इनमें से भी अपनी स्ट्रेंथ ले सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे दोस्तों एक आंसर भी फ्रेम करा है कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ड्यूरिंग माई कॉलेज आई हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्टिविटीज एंड हैव ऑल्सो मैनेज माई स्टडीज वेल। I assure you that I will complete the task on time and deliver results that will help the company grow. तो यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई है, मैंने बताया कि कैसे मैंने अपने कॉलेज में जो है अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए एक्टिविटीज और स्टडीज को मैनेज करा था, और मैंने फिर इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे आप जो भी टास्क देंगे मैं उसको टाइम पे कंप्लीट करूंगा और कंपनी को ग्रो करूंगा हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो है ब्रॉडली इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं।
आप बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको कोई फैंसी डेफिनेशन आने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेल्स की डेफिनेशन बता रहे हैं तो आप मार्केटिंग का वर्ड नहीं यूज करें। काफी स्टूडेंट्स जो है ये गलती कर देते हैं और फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। सेल्स और मार्केटिंग डिफरेंट है और जब भी आप सेल्स की डेफिनेशन बताएंगे आप सिर्फ सेल्स का वर्ड यूज करेंगे। तो एक इजी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है कि सेल्स इज सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट यूजली इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉन्टेक्ट 1-to-1 विद एन इंडिविजुअल कस्टमर और क्लाइंट्स। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सेल्स जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना है। ये जनरली सेल्स में ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली यानी कि 1-to-1 किसी कस्टमर से या किसी क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन होगी जिसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलना है तो मैंने दो लाइनें एक्स्ट्रा और लिखी हैं ये दिखाने के लिए कि आप सेल्स को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, सेल्स कैन बी डन व्हेन वी फाइंड पीपल विद पर्टिकुलर नीड्स और वांट्स एंड सप्लाइंग देम विद अ सॉल्यूशन। सेल्स इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू डू समथिंग। तो यहाँ पे पहले मैंने एक चीज ये लिखी है कि सेल्स आप तभी कर सकते हैं जब आप एक पर्सन को आइडेंटिफाई करें जिसकी कुछ नीड हो या कुछ जरूरत हो और फिर आप उसको अपना सॉल्यूशन दें उसकी जरूरतों के हिसाब से। और उसके अलावा मैंने और एक और चीज डिफाइन करी है कि सेल्स जो है वो एक ये भी कंसेप्ट होता है जहां आप किसी को कन्विंस करते हैं कुछ करने के लिए। तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो है ये पहली वाली डेफिनेशन यूज करें। अगर आपको दोस्तों इस आंसर को और डीप में परस्यू करना है, इस आंसर को और डीप में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करिए जहां पे मैंने फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स डाल रखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू स्टार्ट अ सेल्स कॉन्वर्सेशन विद द कस्टमर। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आप जो एक कस्टमर को प्रोडक्ट डायरेक्टली पिच नहीं करना शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी सेल्स कॉन्वर्सेशन की, तो इसको आप ध्यान रखिए। सेकेंड जो है दोस्तों, जो भी आप स्टार्टिंग सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो आप जो है कॉन्वर्सेशन को सेट करने के लिए यूज करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरी तरफ से एक सेंटेंस लिख रखा है कि अगर मैं किसी को कॉल करके बताऊंगा एबल जॉब्स के बारे में तो मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम रवीश अग्रवाल फ्रॉम एबल जॉब्स, यू हैव फिल्ड योर नंबर फॉर सेल्स इंटरव्यू कोर्स, इज इट अ गुड टाइम टू कॉल यू। तो मैंने पहले हेलो करा, फिर मैंने सर से पूछा कि सर या मैम से पूछा कि वो कैसे हैं, फिर मैंने उनके आंसर का वेट करा, मैंने उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने बताया कि मुझे उनका नंबर कहाँ से मिला है और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या अभी हम लोग बात कर सकते हैं। और दोस्तों जब इसका आंसर आ जाएगी यस हम लोग अभी बात कर सकते हैं या हम लोग जो है किसी और टाइम पे बात कर सकते हैं, तो फिर आप वहां से जो है कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है हाउ विल यू स्टार्ट अ सेल्स कॉन्वर्सेशन विद अ कस्टमर का आंसर कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन की कि व्हाई डू यू वांट टू डू सेल्स, यानी कि आप सेल्स क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि सेल्स कोई भी इसलिए करना चाहता है क्योंकि सेल्स एक रिवॉर्डिंग करियर है। तो आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि सेल्स एक रिवॉर्डिंग करियर है और फिर उसके बाद आप अपनी स्किल बताइए कि आपकी स्किल जो है कैसे जॉब के लिए यूजफुल है। तो जैसे मैंने अपने आंसर यहाँ पे लिख रखा है, जैसे मैंने लिखा है कि सेल्स इज अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर, देर इज अ लिमिटलेस अर्निंग पोटेंशियल इन सेल्स एंड वन कैन ग्रो फास्टर इन सेल्स एज कम्पेयर टू एनी अदर जॉब। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सेल्स एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर है। सेल्स में अर्निंग पोटेंशियल जो है वो लिमिटलेस है क्योंकि आपको हर सेल पे एक बोनस मिलता है। तो आप जितनी ज्यादा सेल कर सकते हैं आपको उतना ज्यादा बोनस मिलेगा। तो जो आपका अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा दोस्तों किसी और जॉब के कंपैरिजन में सेल्स में आपकी ग्रोथ फास्ट होती है अगर आप जो है काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों मैंने अपने जो है अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करा है और बताया है कि किस तरीके से हेल्प करेगा मुझे सेल्स करने में। तो मैंने लिखा है कि माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हार्ड वर्किंग नेचर विल हेल्प मी एक्सेल इन सेल्स जॉब एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट माय स्किल्स विल मेक मी अ ग्रेट एसेट टू द कंपनी। यानी कि जो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और जो मेरे हार्ड वर्किंग स्किल है उससे मैं सेल्स की जॉब में एक्सेल करूंगा, बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करूंगा। और जब मैं बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं कंपनी को हेल्प करूंगा और कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहूंगा। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके का आंसर हो सकता है आपका व्हाई डू यू वांट टू डू सेल्स के लिए।
अब दोस्तों आगे बात करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है लोगों से इंटरव्यू में, वो ये कि हाउ विल यू हैंडल सेल्स प्रेशर। तो काफी सेल्स की जॉब के साथ दोस्तों सेल्स प्रेशर आएगा, और आपका इंटरव्यूअर जब ये क्वेश्चन पूछता है तो इंटरव्यूअर का मोटिव होता है कि आप ये समझें कि सेल्स के साथ प्रेशर आता है और आपको पता हो कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो इसका सबसे अच्छा दोस्तों आंसर देने का तरीका, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बताइए कि आपने किस तरीके से प्रेशर जो है वो पास्ट में हैंडल करा है। तो अगर आप फ्रेशर है तो आप बता सकते हैं कि कैसे कॉलेज में आपके पास एग्जाम्स का प्रेशर था और आपने उसको हैंडल करा है, या फिर आप कुछ और एक्टिविटीज कर रहे थे और उनका प्रेशर था, आपने उसको कैसे हैंडल करा है, और आप उस तरीके से जो है सेल्स का प्रेशर भी हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक जो है अगेन आंसर लिखा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि माई पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प मी हैंडल सेल्स प्रेशर। इन माई कॉलेज डेज आई हैव मैनेज्ड मल्टीपल थिंग्स विच हैव टॉट मी हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर एंड डिलीवर रिजल्ट्स। यानी कि जो मेरी पेशेंस है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे प्रेशर हैंडल करने में हेल्प करेगी। मैंने अपने कॉलेज टाइम पे बहुत सारी चीजें करी हैं और उससे मुझे पता चला है कि किस तरीके से प्रेशर हैंडल करते हैं और उसके साथ साथ रिजल्ट्स भी डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ ऐसा आंसर देंगे तो इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, और आपकी जो सेल्स की जॉब लेने की या सेल्स के जॉब पाने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेलमिया पेन के बारे में। तो दोस्तों एक मैजिक ट्रिक है मेरे पास सेलमिया पेन की, कि मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जो आप मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स में जाके देख सकते हैं, जहां पे आप जो है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है, आप उसको पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें किस तरीके से एक पेन को सेल करना चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं आपको प्रिपेयर करूंगा सारे इंटरव्यू राउंड्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मेजरली इतना ही था। मैं ऐसे और भी वीडियो बनाता रहता हूँ डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड, डिफरेंट जॉब से रिलेटेड। तो अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ताकि आप लोग साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकें, आप लोग साथ में जो है सेल्स की जॉब ले सकें। और दोस्तों एबल जॉब्स की जो ऐप है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि आप भी जो है सेल्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।